अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप ये मुखड़ा बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको ये ना पूरी डिटेल शाम को ना बैठ के बात करेंगे। राइट नाउ हम इस वक्त शॉप पे हैं, देख सकते हैं आप। तो अब आगे सीन्स कुछ यूं होंगे कि फिर आज के रेस्ट ऑफ द डे के साथ चलते हैं। हाँ जी, तो सीन्स अभी ऐसे हैं ना कि आज का मेरा दिन कैसा होगा ये मैं आज नहीं बताऊँगा, और आखिर हफ्ते बाद व्लॉग बना रहा हूँ तो आज ही क्यों बना रहा हूँ, कोई तो वजह होगी ना। तो ये सब आप आज मेरे साथ रहें तो फिर आपको पता चल जाएगा खुद ही कि हाउस में डे पर। इतना ज़रूर कहूँगा कि ये इंटरेस्टिंग होने वाला बहुत जी। अभी तो सीन्स ऐसे हैं कि अभी हम मौजूद हैं इस वक्त पंजाब कॉलेज के ऑफिस में, जहाँ पे हमें आज फाइनली ग्रेजुएशन की डिग्रीज मिल चुकी हैं, और सीन्स कुछ ऐसे हैं। अच्छा जी, तो पंजाब कॉलेज से वापस आते ही हम एक और काम की तरफ जा रहे हैं, तो बैंक में बेसिकली जा रहे हैं UBL, उधर कुछ टाइम लगेगा। बाकी आज आप मेरे साथ ही रहें, पूरा दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देख के रोड का। यहाँ पे है ना एक कलर। हाँ जी, तो अभी सीन्स ऐसे हैं कि हम बैठे हैं शॉप पे और इसको मैं थोड़ा घेर रहा हूँ कि ये कारपेट डलवा ले, इसलिए मैं इसे अपनी शॉप पे लेके आया हूँ डायरेक्ट। तो मुझे आप ना ज़रूर विश बेस्ट ऑफ लक कि मैं कामयाब हो जाऊँ। और मैंने अपना एक कस्टमर बना लिया है, कामयाबी का पत्र जो हम लेने गए थे इस छोटूआ। तो ये रहा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये अपने दूसरे छोटू का, और ये अपने, इसको बंद ही रहने दो, इसको ना ही खोलें अच्छा है। बच्चा बाहर, बच्चा भी अब बड़ा हो गया इसलिए अब ये भी बाहर जाएगी। तो सीन्स ऐसे हैं कि अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, हाँ जी, तो दो घंटे पूरे खज्जल खुआर होने के बाद बैंक में हम आ चुके हैं अभी फाइनली। मैंने कहा चलें कुछ इसके लिए भी कर लें, ये नहीं अभी आएगा, अभी हम वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट पे। तो इधर भी कुछ वेट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आज और क्या होता है दिन पूरा में, क्योंकि इट्स नॉट प्लान। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है, कुछ बातें क्लियर करनी लाजमी हैं, कुछ हो गई हैं जैसे 50-50, तो फिर मिलते हैं अब थोड़ी देर में। हाँ जी, तो वापस आ गए हैं घर, सीन्स कुछ
ऐसे हैं कि अब आपको बतानी है होल स्टोरी। तो वैसे ये मेरा आज का दिन था, उसके बाद शॉप पे ही टाइम गुजर गया बस बैठे बैठे ही, और कुछ किया नहीं इंटरेस्टिंग। और बर हाँ बस ऐसे ही, ये आज का दिन था दैट्स इट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने मुझे बताना है। और इतने व्लॉग्स मेरे यानी कि ये पिछले 2 हफ्तों में क्यों नहीं आ रहे थे। पहले सेहत पे नो कम्प्रोमाइज़, पहली बात ये होगी। और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही कंडीशन गॉट बैड, सो दैट्स वाई बना नहीं सका कुछ भी। तो ठीक भी है। और इससे मैंने एक दूसरी चीज़ सीखी जो कि मेरा पॉइंट नंबर 2 है, कि मेरी एक सोशल लाइफ भी है, इसके अलावा एक मेरी लाइफ है इस पे जो मैंने कंटिन्यू की है, और इसके अलावा भी मेरी जो बाकी लाइफ है ना यार, उस पे भी ज़रा कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए। यानी कि एक तरह से मैं कहूँ कि ये डेली व्लॉगिंग तो मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे इसके माइनस पॉइंट नहीं पता थे। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप जो व्लॉग्स बना रहे हैं ना, वो रोज़ कंटेंट सोचना, बनाना, एडिट, अपलोड, तो ये भी एक बड़ा ना स्ट्रेस होता है माइंड के लिए। तो फिर इसीलिए मैंने ली थी ये एक छोटी सी छुट्टी। हाँ ये ठीक है, आप छुट्टी कह लें। तो ये मैंने छुट्टी ली हुई थी जो कि अभी हो चुकी है ख़त्म। सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब ठीक, काफ़ी बेहतर पहले से। तो इसी के साथ ही अब आगे शुरुआत करते हैं, आपसे मिलेंगे हम कल। और कल का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये वक्त भी डन। और हाँ कल मैं आपको ना अपने इस रूम का टूर कराऊंगा, इसमें बहुत कुछ है, वीडियो बन सकती है पूरी ये चीज़। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब।